तो यहाँ पर अपन पॉलीमर की डीपीपी करते हैं, तो इसमें क्या है कि ये 25 प्रॉब्लम्स का सेट है जो तुम्हारे अभी जेई के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। सो इसमें मतलब फर्स्ट प्रॉब्लम लेता है फिर। सो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। सो इसको तुम ध्यान रख सकते हो, ये जो थर्ड ऑप्शन में ये जो स्ट्रक्चर दे रखी है इसका यूज किया जाता है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर बनाने के लिए। सेकेंड प्रॉब्लम है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर डू नॉट इन्वॉल्व क्रॉस लिंकेज। सो यहाँ पर जो पॉलीथीन है वो एक लीनियर पॉलीमर है, सो उसमें क्रॉस लिंकेज नहीं होता, बाकी इन सब में यहाँ पे क्रॉस लिंकेजेस है, तुम देख सकते हो। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है विच कंपाउंड और सेट ऑफ कंपाउंड इज यूज इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 के लिए किसका यूज किया जाता है, तो अगर तुम यहाँ पे डी ऑप्शन को चेक करो तो इससे पहले क्या किया जाता है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है यहाँ पर NH2OH के साथ। सो रिएक्शन कराने के बाद ये चीज बनती है, फिर यहाँ पर कंसेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में यहाँ पे बैकमान रीअरेंजमेंट होता है, तो उससे क्या बनता है यहाँ पे कैप्रोलैक्टम बनता है। तो ये यहाँ पे कैप्रोलैक्टम बनता है और फिर इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, और फिर उससे क्या होता है हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहाँ पर ये बनता है CH2 का होल 5। यहाँ पर इधर आ गया अपने पास C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और इधर आ गया अपने पास NH3 यहाँ पे पॉजिटिव। फिर इसका क्या होता है, पोलीमराइजेशन होता है और फिर उससे यहाँ पे नाइलॉन 6 बनता है। तो इस तरीके की ये पूरी प्रोसेस है, तो इसमें अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे फोर्थ प्रॉब्लम है इबोनाइटिस। इबोनाइट के बारे में पूछा, तो इबोनाइट का तुम ध्यान रखना ये हार्ड हाईली वल्कनाइज रबर होता है, हाईली वल्कनाइज रबर जो 20-30% रबर कंटेन करता है। सो यहाँ पर अपन देखें सो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर तुम ध्यान रख सकते हो जो इबोनाइट है वो हार्ड हाईली वल्कनाइज रबर है यहाँ पर, सो इस चीज का तुम ध्यान रख सकते हो। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम में अपन को मोनोमर ऑफ दिस बताना है, तो यहाँ पे तुम्हें पता ही चल रहा होगा कि यहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड होगा इसके मोनोमर में, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से होगा। तो तुम्हें ये पता ही चल रहा है कि ये क्या है कि 2-मिथाइल प्रोपीन है सिंपली, तो अपना ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे पॉलीमर यूज्ड इन बुलेट प्रूफ ग्लासेस में पूछा है अपन को। सो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेक्सिन का यूज किया जाता है। तो सेवन प्रॉब्लम में क्या बोल रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन पॉलीमर्स आर गिवन देन विच वन इज नॉट करेक्टली प्रेजेंटेड, ये अपन को पूछा है यहाँ पर। सो अगर तुम टेफ्लॉन को देखो तो ये सही है यहाँ पर, नायलॉन 6-6 को भी देखो तो वो भी एकदम सही दे रखा है यहाँ पर। क्या दे रखा है, NH CH2 का होल 6, NHCO CH2 का होल 4 एंड CO, तो तुम इसको चेक कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इस टाइप का है, और यहाँ पे टेरिलीन को भी देखोगे तो इसका भी एकदम सही दे रखा है, लेकिन यहाँ पर नियोप्रिन का देखोगे सो नियोप्रिन क्या होता है, इज ए पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रिन। अगर मैं यहाँ पे क्लोरोप्रिन को रिप्रेजेंट करूँ तो वो इस तरीके से कहता है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर Cl आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 आएगा, इस तरीके से आएगा ये। सो यहाँ पर अपन बात करें तो इस तरीके का ये क्लोरोप्रिन है, और फिर इसका आगे यहाँ पर O2 या परोक्साइड की प्रेजेंस में, तो O2 या परोक्साइड की प्रेजेंस में ये नियोप्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, इसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है, और वो नियोप्रिन कैसा दिखता है। कुछ इस टाइप का दिखता है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो क्लोरोप्रिन का ये से जो नियोप्रिन बना है उसका ये गलत दे रखा है यहाँ पर, एक जो CH2 है वो एक्स्ट्रा दे रखा है यहाँ पर, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट फॉर्म्स बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। सो इनमें से कौन सा सेट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाता है। सो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है नायलॉन 2 नायलॉन 6, यहाँ पर होता है जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है, और ये किससे बनता है यहाँ पर ग्लाइसिन से। ग्लाइसिन क्या होता है, NH2 CH2 CWH,
इसको अपन यहाँ पे ग्लाइसिन बोलता है, और एक होता है अमीनो कैप्रोइक एसिड। सो ये NH2CH2 का यहाँ पे होल 5 एंड COOH, और इन दोनों मोनीमर के मतलब पोलीमराइजेशन से यहाँ पे जो बनता है वो अपना नायलॉन 2 नायलॉन 6 बनता है। सो अपना बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन। सो हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए किस कैटलिस्ट का यूज किया जाता है? तो जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है वो कब बनती है? वो बनती है एडिशन पॉलीमराइजेशन से। एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन टेक्स प्लेस ऑन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज डिग्लेरनाटा कैटलिस्ट। तो क्या होता है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है एथीन का इन अ हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज डिग्लेरनाटा। सो उससे हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनती है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, विच इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रिन। सो नियोप्रिन का मोनोमर क्या होता है? क्लोरोप्रिन होता है, और क्लोरोप्रिन का स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया ही था तुम्हें क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CCl, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। तो अपना कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? बी ऑप्शन यहाँ पे मैच करेगा। फिर यहाँ पे इसका पोलीमराइजेशन हो जाता है परोक्साइड्स की प्रेजेंस में, जैसे K2S2O8 भी ले सकते हो, यहाँ पर इसका पोलीमराइजेशन हो जाता है इनकी प्रेजेंस में। और पोलीमराइजेशन होने के बाद यहाँ पे अपना नियोप्रिन बन जाता है। इस तरीके से। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपन को पूछा है कि ब्यूना एन सिंथेटिक रबर इज ए को पोलीमर ऑफ। तो ब्यूना एन की बात की जा रही है। सो ये ब्यूटाडाइन, यहाँ पर ये जो बना हुआ है ना इसको ब्यूटाडाइन बोलता है, और इसको एक्रिलोनाइटाइल बोलता है। सो इनका ये को पोलीमर होता है। सो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द पॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज। सो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो जो नायलॉन 6 6 होता है उसमें यहाँ पे अमाइड लिंकेज होता है, और अमाइड लिंकेज के कारण वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में कैपेबल होता है। सो अपना बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड टेक्स प्लेस एज फॉलो। CaCO2 की अपन ने वाटर के साथ रिएक्शन कराई, सो C2H2 बना, फिर H2 के साथ रिएक्शन करा के ये बनाया, और फिर इसका पॉलीमराइजेशन कराया। सो अमाउंट ऑफ पॉलीथीन फॉर्म्ड फ्रॉम, ये यहाँ पर ये 64 kg ही है, 64 kg ऑफ CaC2, इससे कितना बनेगा? तो इसका मतलब ये यहाँ पे 1 मोल दे रखा है, अगर तुम मतलब सिक्स वो सॉरी हाँ मीन्स मतलब इसका 64 ग्राम मतलब 1 मोल होता है ना। सो ये 64 ग्राम 1 मोल होता है, तो ये 1000 मोल तुम्हें दे रखा है। इसके 1000 मोल से इसका 1000 मोल ही बनेगा यहाँ पर, अगर तुम बैलेंस करके देखोगे तो। और इसके एक 1 मोल का वेट यहाँ पर 26 है, तो ये 26 kg बनेगा, कहने का मतलब। और फिर उसमें H2 के साथ यहाँ पर रिएक्शन कराई, सो ये जो वेट है वो 28 kg हो जाएगा, 2 kg यहाँ पर इसका ऐड हो जाएगा H2 का, और फिर 28 kg से फिर अपना यहाँ पर इसके 28 kg से इसका 28 kg ही पॉलीमर बनेगा। सो जो अपना आंसर है वो यहाँ पर डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिग्लेरनाटा कैटलिस्ट। तो इनमें से जिग्लेरनाटा कैटलिस्ट अगर तुम सी ऑप्शन को देखोगे, सो यहाँ पर TiCl4+Al2C2H5O6, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास, नायलॉन 6 6 इज ए पॉलीअमाइड ओबेंटेन बाय द रिएक्शन ऑफ। सो नायलॉन 6 6 किसकी रिएक्शन से बनता है? यहाँ पर एक एडीपिक एसिड होता है, और एक अपना हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन होता है, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। तो अगर तुम ऑप्शन बी को चेक करो तो ये तो अपना एडीपिक एसिड है, और ये हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन है, इनके पॉलीमराइजेशन से अपने पास नायलॉन 6 6 बनता है। तो ये चीज तुम यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स गिव्स द पॉलीमर नियोप्रिन ऑन पॉलीमराइजेशन। सो अपन को पता है क्लोरोप्रिन देता है, सो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच कंपाउंड और सेट ऑफ कंपाउंड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन 6 6। तो अगर अपन बात करें तो एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन होता है। तो यहाँ पर एक दो प्रॉब्लम का रिपीटेशन हो गया, उसके लिए सॉरी। सो फिर इसमें आ गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड।
सो यहाँ पर अगर देखे तो नियोप्रेन के लिए तो सही है, ये नियोप्रेन का यही होता है। और अगर तुम टेरिलीन का देखोगे तो वो भी यहाँ पर एकदम सही दे रखा है। और अगर लेकिन तुम नायलॉन 6-6 का देखोगे तो इसमें अमाइड लिंकेज होता है, इसमें अमाइड लिंकेज होता है, लेकिन यहाँ पर ये वाला लिंकेज भी दे रखा है, सो ये ऑप्शन अपना रॉन्ग हो जाएगा। और PMMA के लिए भी तुम चेक कर सकते हो, उसके लिए भी ये राइट ऑप्शन है। तो इस तरीके से अपना यहाँ पर देखे तो अपना इसमें बी ऑप्शन है जो अपना आंसर हो जाएगा, ये गलत दे रखा है अपन को। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर सिंथेटिक ह्यूमन हेयर विग्स आर मेड फ्रॉम ए को पॉलीमर ऑफ वाइनाइल क्लोराइड एंड एक्रिलोनाइट्राइल, और उसको क्या बोलता है, उसको अगर तुम चेक करोगे तो उसको डाइनाइल बोलता है। सो अपना डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सिंथेटिक ह्यूमन हेयर विग्स इज मेड फ्रॉम कोपोलीमर ऑफ वाइनाइल क्लोराइड एंड एक्रिलोनाइट्राइल। नेक्स्ट अपने पास मेलामाइन प्लास्टिक क्रोकरी इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ, तो मेलामाइन प्लास्टिक क्रोकरी मतलब जो मेलामाइन का जो पॉलीमर मतलब ये मतलब जो इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ, तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो तुमने इस पॉलीमर के बारे में पढ़ा होगा जो कि SCHO और मेलामाइन की रिएक्शन से बनता है। सो उसी में यहाँ पर बात की जा रही है उसी के कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की। तो ये जो नाम रखा है मेलामाइन प्लास्टिक क्रोकरी, ये क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर होता है इन दो चीजों का, तो ये तुम ध्यान रख सकते हो। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास मैच लिस्ट 1 टू द लिस्ट 2, सो लिस्ट 1 है मोनोमर की, लिस्ट 2 है पॉलीमर की, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो अगर अपन देखे तो हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन किसमें यूज होता है, तो ये नायलॉन में यूज होता है, तो इसमें ई ऑप्शन आ जाएगा, सो इसमें यहाँ पे ई मैच कर रहा है। फिनॉल यहाँ पर बैकेलाइट में यूज होता है, सो यहाँ पर ये आ गया अपना सेकंड में ए। और यहाँ पर अपन टेरेपथैलिक एसिड देखे तो ये डेक्रोन में यूज होता है, तो इसमें ये बी आ गया। और थैलिक एसिड देखे तो वो ग्लिप्टल में यूज होता है, सो यहाँ पर सी ऑप्शन आ गया, सो इसमें बी करेक्ट हो जाएगा अपना। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास अमोंग सेल्यूलोज पॉलीवाइनाइल क्लोराइड नायलोन एंड नेचुरल रबर द पॉलीमर इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकेस्ट इज, तो यहाँ पे जो नायलोन है और सेल्यूलोज है सो इनमें तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सो ये तो नहीं होंगे। और जो पॉलीवाइनाइल क्लोराइड है इसमें डाइपोल डाइपोल होता है, तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, लेकिन जो नेचुरल रबर होता है उसमें सिर्फ वंडरवॉल इंटरेक्शन होता है, तो सबसे वीक इसमें हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नियोप्रेन पॉलीमर, सो अपना अपन ने पहले भी बहुत बार पढ़ा है कि ये ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बहुत बार रिपीट हो रहा है ये प्रॉब्लम, उसके लिए सॉरी। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे यूरेथेन इज, सो इसमें से अपन को बताना है यूरेथेन कौन सा है। सो अगर तुम यहाँ पे डी ऑप्शन को चेक करोगे सो इसको अपन यूरेथेन बोलता है, सो ये अपना डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो लास्ट अपना प्रॉब्लम है यहाँ पे कि द टर्बिडिटी ऑफ ए पॉलीमर सॉल्यूशन मीजर्स, तो जो मॉलिक्यूल होता है पॉलीमर के वो लार्जर होता है इन साइज, लार्ज होता है इन साइज, तो वो क्या करता है स्कैटर करता है लाइट को। सो यहाँ पे पूछा था टर्बिडिटी ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन मीजर्स, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द लाइट स्कैटर्ड बाय द सॉल्यूशन, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो लार्ज है, इस रीजन से। तुम इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आगे कौन सा चैप्टर लेना है उसको कमेंट में बताओ। फिर मिलता है बाद में।